भगत दाता यासु नई तरी नई जे पाजड़ी थारो मती रे गमई जे मायर जड़े तो एड़ा जण भगत दातार या सूर नहीं तर रे जे बांजड़ी थारो मती गमाई जे मायर जड़े तो चार जण जे मायर जड़े तो चार जण जे मत जण जे चालीस चारुई रण में जूझ सी तो ये चारुई है चालीस एक मारे चार औलादे जो लड़ाई करने में चार सोने भी नहीं धारे और एक मारे चाली बेटा हो जा ऊंदरान मीनिया रही डोड़ा उंडरे बे कहीं काम रहा छोरो गरे जान मान के मां आज तिलक कर मारे मारे तलवार है तिलक कर आज बार में जाऊं माता बाड़ में मां भींदणी ने लो करियो भींदणी मारो बेटो बार में जावे तिलक कर भींदणी के मां ओला थारी है तो गरोधणी मारो ही है केड़ो अक्षोर भी रहे हो भैया पग बेड़ा कर लिया तलवार लेन गियो आगे देखियो माता कटतान के मुंह दियो भाई ने खांडो तो केड़ा में गाल दियो कूद कूदन डालू कावे बींदनी हमरो हाथ पकड़ के लेगी डागला माते के देख थारी औलाद बार लड़े जने कियो मारो पियो ये सकी तीखी बारा जाय खांडो कसोले केर में फिर डालू खाई डालू खाउनिया ने कोई मारे बेटो एकलो अंदर अंदर ऊंट लेन आओ तो बाप कियो बेटा पूरिया टाइम फोरो एकलो नहीं आवनो वो के डफोड़ बाता करो बी पची आवे जीते दारू में बाप के बेटो कह के एक आची में प्रैक्टिकल तो करो बेटो एकलो आव तो अंदर ऊंट लियोड़ो बाप कामड़ी ओडियोड़ो खेड़ी लारे लुकियोड़ो बेटो आयो न बाप कियो ऊंट आड़ा ऊंट अटी छोड़ देनी तेरे गोली मार दिला हो क्या बाप मारो बाप ही गोलियां नहीं देखी थेक वो तो हाथ आलन पुगाई दू ताने ऊंट पकड़ान भी रुयो हमें बैठो बैठो होचे के घराड़ा के थारे वो लड़ाइया हुई थारो ऊंट ही लेगा थार कटी उड़ा की नहीं लगी कमी जो खोल केड़ा में उड़ी जाऊ बो उड़ा का दिखनी चाहिए गरे गियो न माँ क्यों रे बेटा पूरिया यूं की करके माँ होच मत बी पची आया जीते तो बंदो डंकेरी चोट माते माता बाढ़ तो बाद में वे फोन कर कर पची पचाए कि बड़े बुला लिया टेंटर पर विजन ऊँट उठ लेगा अपन तो की बाप कान डारो पकड़ लाया बाड़ा में बेटा वो कहीं है क्यों तो अपान तो ये बाप के मैं ही जो बैठ रहा बाप वो तो मैं एक हो तू ऊंट छोड़ ना आई गो अठे दस जना आवता तू कहीं कर तो बेटो के पिताजी मने ठा नहीं कि थई जो जे थाणी ठावे तो एक थप्पड़ में घुड़ाई देव तो थाने तो पानी नहीं मांगता कोई जाने घी पी लू था हो मायर जड़ी ये साजड़ी जैसे दानो प्रता अकबरी हूँ तो योज के वो जाने सिराने शाप सजनों राजा खूब हुया
लेकिन हिंदुआ सूरज एक ही राजा था, वो था महाराणा प्रताप। अकबर सुअड़ियो जबर सही दुश्मन री ताप, हिंदवाणी राखी अटल थने रंग राणा प्रताप। मायड़ जने तो एड़ा जन जे जैसे दुर्गा दास, माल मुराठो राखियो वो बिन खंबे आकाश। एड़ा एड़ा सूर भी रुया लिखा हल्दी घाटी में समझ जनो महाराणा प्रताप की वार्ता प्रस्तुत कर रहा हूं, जब तक बीच में कोई उठेगा नहीं सज्जनों सभी से निवेदन कर रहा हूं। हल्दी घाटी में समझ जनो वो छेत किलो यस बार कठे मावड़ थारो वो कठे एक लिंग दीवान कठे महाराणा प्रताप कठे मायड़ थारो वो कठे एक लिंग दीवान कठे महाराणा प्रताप कठे बाजियों हैं इतिहासा में बाजियों हैं इतिहासा में मायड़ थे एड़ा पूत जन्या धनवान लजायो नीथारो धनवान लजायो नीथारो रणधीरा वे सिरदार बनया चुक्यो नहीं नर नारियो अकबर री सेना रे आगे हिंदवा सूरज में मारी दत्तन हिंदवा सूरज में मारी दत्तन वो महाराणा प्रताप कठे मायड़ थारो वो ऊंच कठे एक लिंग दीवान कठे महाराणा प्रताप कठे We'll be right back.
जिन समय अल्ली घाटी में महाराणा प्रताप अकबर के बीच में युद्ध चल रही है और शंकर भगवान पार्वती जी बैठा बैठा उन्हें युद्ध ने देख रहे हैं और आपस में शंकर भगवान और पार्वती जी बाता करे कहीं